सुबह के नाश्ते में बनाना हो या शाम को इवनिंग स्नैक की तरह बनाना हो, ये क्रिस्पी सैंडविच खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसमें मैंने कुछ वेजीज डाली हैं, तो 1/4 कप के करीब कटा हुआ प्याज है, महीन टुकड़ों में मैंने काट के रखा था। शिमला मिर्च है 1/4 कप के करीब, और इसके साथ ही इसमें मैंने थोड़ी सी कैबेज और कैरेट भी डाली है। तो सब्जियां हम अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी बच्चे पसंद करते हों या जो भी हमें अच्छी लगती हो। चाहे तो इसमें ब्रोकली है, स्वीट कॉर्न है, ये सब भी हम ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे बहुत थोड़ा सा नमक। नमक हल्का ही डालेंगे क्योंकि सारे सॉस वगैरह पड़ेंगे तो नमक तेज़ हो जाता है कभी कभी। साथ में डालेंगे ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स, और धनिया के बिना तो कोई भी इंडियन कुकिंग कंप्लीट ही नहीं होती है, तो थोड़ी सी धनिया भी डाल दें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और पनीर को भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट के रखा था, तो ये 1/2 कप के करीब पनीर है। और पनीर के साथ ही आप चाहें तो इसमें मशरूम भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस मैंने डाला है, 2 छोटी चम्मच के करीब है। साथ में इसमें जाएगा मेयोनीज, और मेयोनीज की जगह आप चाहें तो हंग कर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा स्वाद देगा। तो 1 बड़ा चम्मच के करीब मैंने मेयोनीज डाला है, और टमाटो केचप डालेंगे थोड़ा सा, फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सब्जी आप रात में बना के रख सकते हैं अगर सुबह बच्चों के टिफ़िन में हमें पैक करना है सैंडविच तो। और इसको मिक्स करने के बाद मुझे थोड़ी सी मेयोनीज कम लग रही है, तो मैं थोड़ी सी और डाल दूँगी। और इसके बाद ये हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। और ब्रेड आज मैंने वाइट वाली ब्रेड यूज़ की थी, तो ब्रेड आप जो भी पसंद करते हो, होल व्हीट वाली जो आती है उसमें भी हम सैंडविच बना सकते हैं। और अब हमें कुछ नहीं करना है, बस ब्रेड में हमें अपनी स्टफिंग रखनी है और फिर इसको सेक लेना है। तो चाहे तो इसको सैंडविच मेकर में सेक लें, और आज मैंने इसको तवा पे सेका था, साथ में थोड़ा सा सेसमी सीड्स भी डाला था। और इसके बाद अब हम इसको बस सेकेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो तवे के ऊपर हम थोड़ा सा बटर लगाते हैं, बहुत थोड़ा सा बटर लगाएंगे, और इसमें सफ़ेद तिल जो होती है वो डाल देंगे। इससे खाने का स्वाद तो बढ़ ही जाता है, साथ में थोड़ी सी हेल्थ के लिए सफ़ेद तिल अच्छी होती है, तो वो भी हमारे डाइट में इंक्लूड हो जाती है। जाड़े के दिनों में सफ़ेद तिल कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने खाने में शामिल करें, और सफ़ेद तिल बहुत तरीके से यूज़ की जा सकती है, लेकिन जाड़े में तो खास कर हमें ज़रूर खानी चाहिए। और सैंडविच को अब हमें अलट पलट के सेकना है, तो पलटने से पहले थोड़ा सा बटर और लगा देते हैं, बहुत थोड़ा सा, और फिर से एक बार ये सफ़ेद तिल को डाल देंगे और सैंडविच को पलट देते हैं। आप चाहें तो इसको चाय के साथ इंजॉय करें, या तो बच्चों के टिफ़िन में पैक करके दें, या सुबह नाश्ते में बनाएं, बहुत अच्छा लगता है। और ढेर सारी सब्जियां हैं तो हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और ना तो इसमें ज़्यादा ऑयल लगा है ना ही ज़्यादा बटर यूज़ हुआ है। बस ये तैयार है सर्व करने के लिए। आप रेसिपी ट्राई करिएगा, और ट्राई करने के बाद अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही आसान और टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी कुकिंग।